नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर में तकरार बढ़ती जा रही है। सरकार एक ओर जहां सोशल मीडिया पर देश विरोधी बातें करने वालों के अकाउंट्स बंद करने को लेकर सख्त है, तो वहीं ट्विटर अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई दे रहा है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। देश विरोधी और भड़काऊ मैसेज को लेकर दाखिल याचिका में शुक्रवार को देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ट्विटर पर देश विरोधी और भड़काऊ मैसेज भेजे जाने को लेकर ट्विटर इंडिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि ट्विटर पर इस तरह के मैसेज आने के बाद उनकी तरफ से क्या किया जा सकता है। ट्विटर पर निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मई 2020 में एक याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका में ट्विटर कंटेंट को चेक करने के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की मांग की गई है। बीजेपी नेता विनीत गोयनका नाम के शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि ट्विटर पर भड़काऊ और देश विरोधी मैसेज पोस्ट किए जाते हैं, ट्विटर पर विज्ञापन भी दिया जाता है और इसके जरिए हेट मैसेज फैलाए जाते हैं। इसको रोकने के लिए फिलहाल कोई दिशा निर्देश नहीं है, इसलिए अदालत सरकार को तुरंत इस संबंध में दिशा निर्देश बनाने का आदेश दे, जिससे इस तरह के मैसेज को रोका जा सके। याचिकाकर्ता ने कहा कि मशहूर लोगों और गणमान्य व्यक्तियों के नाम पर सैकड़ों फर्जी ट्विटर हैंडल्स और बोगस फेसबुक अकाउंट्स हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि इन फर्जी ट्विटर हैंडल्स और फेसबुक अकाउंट्स में संवैधानिक अधिकारियों और मशहूर नागरिकों की वास्तविक तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि आम आदमी ऐसे ट्विटर हैंडल और फेसबुक अकाउंट्स से जारी संदेशों पर विश्वास कर लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्विटर इंडिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।